नमस्कार दोस्तों, शर्म या लज्जा इंसान के प्रमुख गुण होते हैं, लेकिन चाणक्य का कहना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लेकर शर्म करने से आपका ही नुकसान हो सकता है। आचार्य चाणक्य महान शिक्षक और विद्वानों में से एक थे। इनके द्वारा रचित चाणक्य नीति ग्रंथ आज के समय में भी लोगों का पसंद बना हुआ है, क्योंकि इस ग्रंथ में आज जीवन को सुखमय बनाने के लिए तमाम तरह की नीतियाँ बताई गई है। चाणक्य ने कुछ ऐसी नीतियाँ बताई है जिनके अनुसार इंसान को कुछ चीज़ों को शर्म करने से बचना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी शिक्षा प्राप्त करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो विद्यार्थी टीचर से सवाल करते समय हिचकिचाते हैं, वे अपना ही नुकसान खुद कर बैठते हैं। शर्म करने से ज्ञान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट अपने शिक्षक से कोई भी सवाल बेझिझक पूछते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति अच्छे से हो जाती है। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी व्यक्ति को भोजन करने में शर्म करनी नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में गेस्ट के तौर पर जाने पर भोजन करने में शर्म करते हैं और इससे वो भूखे रह जाते हैं। इंसान को कभी भी अपनी भूख नहीं मारनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। दोस्तों, आखिरी जो बताई है वो है, धन से संबंधी मामलों में कोई भी कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति धन संबंधी मामलों में शर्म करता है, उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति को उधार देने पर अपने ही पैसे मांगने में शर्माते हैं। ऐसे व्यक्ति का सभी लोग लाभ उठाते हैं, इसीलिए अपने पैसे मांगने में किसी तरह का शर्म नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।